हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे अनोखे और चमत्कारी पौधों के बारे में जो बहुत ही आसान तरीके से उगते हैं और इनका हमारे बगीचे में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पत्थरचट्टा की। इस पौधे को आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा पौधा है और ये पौधा जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। आयुर्वेद में भी इसके काफ़ी फ़ायदे बताए गए हैं, जो कि ऑनलाइन जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से औषधीय गुण इसमें होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके लगाने की विधि के बारे में। तो सबसे पहली जो विधि होती है इसमें बहुत ही आसान है। अब जब अरूबा का पौधा लगभग एक साल पुराना हो जाता है तो इसमें इस तरीके से छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं अपने आप पत्तियों के किनारे पर लग जाते हैं। आप देखिए ये जो एक साल पुराना जो हमारा पौधा है इसमें एक पौधा तैयार हो गया है। कई सारे देखिए पत्ती में 3 से 4 पौधे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं पौधों को हम अलग कर लेंगे और इसमें देखिए काफ़ी जड़ें हैं, काफ़ी इसमें अब सारी जड़ें हैं। इन जड़ों को ही दबा देंगे मिट्टी में और नया पौधा तैयार करेंगे। देखिए अब पूरी तरीके से एक पौधा तैयार हो गया, इसको सीधे मिट्टी में लगा देंगे और ये हमारा पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी विधि की। इसमें हम बगीचे में इस तरीके से देखिए पत्थरचट्टा का पौधा लगा हुआ, जिसे हम सिकेटियर के माध्यम से कटाई कर रहे हैं और इसके ऊपरी भाग को काट कर अलग करेंगे और इस तरीके से 3 से 4 जो कटिंग बनाई जाएगी उसके लिए पौधे से इसको अलग किया जा रहा है। कटाई करने के बाद इन जो तने हैं, ऊपरी भाग है, इसको हम पॉली बैग जो पहले से तैयार है उसमें हम खड़ा करके सीधा करके रोप देंगे। ध्यान रहे कि पौधा सीधा ही रहना चाहिए, अन्यथा पौधा टेढ़ा होगा तो खराब हो जाएगा। इस तरीके से हम पॉली बैग में सीधा करके रोप दें, ये पौधे हमारे तैयार हैं। अब बात करेंगे दूसरे अजूबे पौधे की, जो कि बासमती का पौधा। ये पौधा, इसको बासमती का पौधा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बासमती चावल की तरह सुगंध होती है। आप सामान्य चावल जिसमें सुगंध नहीं है उसमें अगर इसकी पत्तियां डाल दें तो वो उसमें बासमती चावल की महक आती है। इसकी पत्तियों से चाय भी बनती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसको लगाने की विधि भी बहुत ही सरल है और बड़ी आसानी से इसको हम अपने घर पे लगा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि देखिए ये कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये पुराने पौधे हैं, पौधा है जिसमें कि कितने सारे नए पौधे आ गए हैं, एक झुंड सा है। इसमें हम देखेंगे कि जो पौधे छोटे छोटे आए हैं उनमें छोटी छोटी जड़ें हैं, उन पौधों को हम काट कर अलग कर लेंगे। ये देखिए सिकेटियर के माध्यम से हमने अलग कर दिया है और कुछ पत्तियों को हटा देंगे और इन पत्तियों को हटाने के बाद इस तरीके से हमारे पास ये पौधे तैयार हैं। और इन्हीं पौधों को देखिए जड़ दिखाई दे रहा है, और इन्हीं पौधों को हम पॉली बैग में लगा देंगे। अच्छी तरीके से पॉली बैग में पहले छेद कर लीजिए, ये हमने देखिए छेद किया, अब इसमें इसको डायरेक्ट रोपाई कर देंगे। तो देखिए है ना कितना आसान, कितनी आसानी से ये पौधे तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे घर में ये पौधे ज़रूर होने चाहिए। यदि हमारे पास सामान्य चावल है तो उसमें तुरंत डाल के हम इसमें चावल की, बासमती चावल की खुशबू का आनंद ले सकते हैं। इस तरीके से कई सारे पौधे आप देख रहे हैं, ये बासमती चावल के पौधे तैयार हैं और इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम होता है। आप इसे गमले में लगा के रख सकते हैं और चावल के सुगंध का आनंद ले सकते हैं। तीसरा पौधा है अजवाइन का पौधा, मुख्य रूप से इसको हम कोलियस भी कहते हैं। ये पौधा जो है अजवाइन का पौधा जो है, ये इसके जिसका जो रस होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अर्थराइटिस में फ़ायदेमंद होता है, वेट लॉस में मददगार करता है और आँखों के लिए बड़ा लाभकारी है। इसको लगाने की विधि भी बड़ी सामान्य और सरल है। आप देखिए कि जो अजवाइन का एक पुराना पौधा है, इस पुराने पौधे से हम ऊपरी भाग से कटिंग को काट लेंगे, एक के बाद एक इस तरीके से कटिंग्स को ऊपरी भाग से काट लेंगे और इसमें पहले से तैयार जो पॉली बैग है उसी में इसके तने को डायरेक्ट हम जाके रोप देंगे। इसकी जो अजवाइन की पत्तियां होती है इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। इसके आप पकौड़ी बनाकर भी खा सकते हैं, हरी पत्तीदार जो होते हैं इसकी पत्तियाँ, इसको बेसन में लपेट कर इसकी सब्जी बना सकते हैं और इसको किसी भी रेसिपी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, अजवाइन की जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये बहुत फायदेमंद है। इस तरीके से ये कुछ पौधे हैं जो हमारे बगीचे में होना बहुत ज़रूरी है। इसकी पत्तियों को इस तरीके से मसलिए और मसल कर आप देखिए कि इस तरीके इसमें जो रस निकलता है उसमें अजवाइन की तरह खुशबू आती है, जो बेहद ही अच्छी होती है, मन को मनमोह देने वाली होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।